नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मैं मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बहराइच में एक और भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। भेड़िये को महसी के ससैया के कछार में पकड़ा गया है। भेड़िया चूरामणि गांव के पास में लगे वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। वनकर्मी उसे ट्रक से रेस्क्यू शेल्टर ले गए और अब तक कुल 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले 2 मादा और 1 साथी नर भेड़िया पकड़ा गया था। भेड़िया 8 मासूमों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात गश्त कर रही है और 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरे भी लगाए गए हैं और थर्मल ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार आदमखोर का निशाना लगातार बच्चों को बनाया जा रहा था, जिसके चलते 4 आदमखोर और भी हैं नरभक्षी, जिनके लिए कई इंतजाम किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर ये वो भेड़िए हैं जो कि वन विभाग की टीम में आ चुके हैं और साथ ही दूसरी तस्वीर में हम आपको बता रहे हैं ये 4 भेड़िए जो कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की जा रही है और टीम अब इन्हें पकड़ने के लिए कई इंतजाम कर चुकी है और डर के साए में 50,000 से ज़्यादा लोग जी रहे हैं और वन विभाग की 12 टीमें लगाई गई हैं। 200 वनकर्मी कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं और 3 DFO को ऑपरेशन की कमान दी गई है। ड्रोन के जरिए सीसीटीवी थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि जल्द ही सभी को पकड़ा जा सके। बहराइच में खूंखार भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। वन विभाग की टीम पिंजरे में फंसे भेड़ियों को ट्रक से रेस्क्यू शेल्टर ले गई और भेड़िया पकड़े जाने की खबर मिलते ही भारी तादाद में गांव वालों और इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। पकड़ा गया भेड़िया नर है और उसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, साथ ही 200 जवान भी लगाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। अभी भी लोग परेशान हैं क्योंकि अभी भी कई खूंखार भेड़िये खुले में घूम रहे हैं। बाकी बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। और बहराइच में चौथा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, किस जगह पर पकड़ा गया और कैसे जाल बिछाया गया और कैसे उसे लोकेट किया गया, इसे पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। महसी इलाके में आतंक मचाए हुए भेड़ियों में आज एक भेड़िया और कैद हुआ है। अब तक 4 भेड़िये कैद हो चुके हैं, 3 पहले पकड़े गए थे, 1 भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखलाए कि भेड़िये का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था, जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक दर्जनों लोगों को घायल कर चुका था और अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी थी। एक भेड़िया पकड़े जाने से इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है कि हमारे बच्चों की हिफाजत अब हमें रात में जाग कर नहीं करनी पड़ेगी। इस भेड़िये को पकड़े जाने से लोगों में काफी सुकून महसूस किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया, ताहिर हुसैन, बहराइच। चौथे भेड़ियो को पकड़ने के बाद फिर वन विभाग की टीम उसे लेकर रेस्क्यू सेंटर रवाना हो गई है। जिस वक्त भेड़िया पकड़ा गया था उस वक्त वन विभाग के लोगों की सांसें फूल गई थी। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो बहराइच मुख्य वन संरक्षक का बयान भी अभी सामने आया और उन्होंने कहा कि अभी 2 भेड़ियों की तलाश है। रेणु सिंह आज ही और साथ ही भेड़िये को पकड़ सकते हैं और ड्रोन में 2 भेड़िये कैद हो गए हैं। ये रेणु सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बाकी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो बहराइच मुख्य वन संरक्षक का बयान आया है रेणु सिंह का। उन्होंने कहा कि अभी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है और साथ ही ड्रोन में 2 भेड़िये कैद हो गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है और कोशिश यही होगी कि आज ही सभी को पकड़ लिया जाए। अभी तक 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िये हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। नहीं, अभी तक पूरे मिला करके 4 पकड़े जा चुके हैं, पहले 3 और 1 और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। जी जी, 2 बाहर है, 2 बाहर है
वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। बहराइच में भेड़ियों के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे वन विभाग के अफसरों के मुताबिक आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। भेड़िये के पंजों के निशान से ये खुलासा हुआ है। इंसानी बच्चे का शिकार करने के बाद में वो नरभक्षी हुआ है और बच्चे आसानी से भेड़िये का शिकार बन जाते हैं, इसलिए भेड़ियों का एक झुंड इंसानी बच्चों के लिए काल बन चुका है। बच्चा था जिसको ये किया था, उस पर हम नॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी साइनेजेस हैं उनको चेक करते हैं, उसके बेसिस पे जो आपके पग मार्क्स है या लोगों की आप देखी है या कोई क्लॉ मार्किंग्स है इस टाइप की है। अब उसमें पग मार्क्स में जो है उसमें भी क्लियरली दिख के आ रहा था कि एक वुल्फ है, 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास के पग मार्क्स हैं जो उसमें दिख रहे हैं, लेकिन उन पग मार्क्स के जो दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा था, यानी एक पैर थोड़ा दबा के चल रहा था, एक पैर हल्का चल रहा है, विच मीन्स उसके एक पैर में किसी न किसी एक में नुक्स है। ये तीन हैं जो एक साथ चलते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो जो ट्रबलसम किस्म का जिसे हम कह सकते हैं उसके, क्योंकि यहाँ से भी दिख रहा है कि कोई ना कोई इंजरी है और बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन वुल्फ ही है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। बाकी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम इस वक्त ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके अलावा पीएसी के 200 जवान लगाए गए हैं। कोलकाता से थर्मल ड्रोन की टीम भी आई है जो कि रात के वक्त अपना काम शुरू करती है। जब भेड़िए एक्टिव होते हैं, एमपी से एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई गई है और ये टीम भी निगरानी कर रही है और कोशिश सभी की यही है कि जल्द ही भेड़ियों को पकड़ा जा सके ताकि लोग राहत की सांस लें। और कल रात भेड़ियों की निगरानी के लिए थर्मल कैमरों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि रात के अंधेरे में भेड़ियों की मूवमेंट देखी जा सकी और कोलकाता से खासकर थर्मल ड्रोन एक्सपर्ट्स को इस काम के लिए बुलाया गया। थर्मल ड्रोन है तो थर्मल ड्रोन से एनिमल ट्रैक करने के लिए आया हूँ। जो अगर एनिमल गन्ने का खेत के अंदर या कहीं भी रहेगा तो ये थर्मल से उसका इमेज आ जाएगा। अच्छा, नहीं कुछ विशेष वो होती है ट्रेनिंग आप लोगों की? जी मतलब कैसे उसको ट्रेस करेंगे? देख के समझना पड़ता है कि कौन सा एनिमल क्या है, क्योंकि थर्मल में वैसा दिन में तो विजुअल भी मिल जाता है किंतु रात में प्रॉब्लम होता है कि थर्मल ड्रोन में। बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है। दहशत में जी रहे लोगों को जल्द से जल्द इस खूंखार खौफ से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे समय में कुछ सावधानियों की भी जरूरत है जिससे कि मासूमों की जान बचाई जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं उसकी टीम बना करके प्रदेश से कि पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़े या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। कई बच्चों को उसने खा लिया, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। हम लोगों को सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया, दबे पांव आ रही खूनी दहशत। भेड़िये के आतंक से कैसे रहें सावधान? बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांव के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो गई है।
सबको इसी बात का डर है कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। भेड़ियों को काबू पाने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और ड्रोन कैमरे से जंगल में तलाशी की जा रही है। चार भेड़िए ड्रोन कैमरों में कैद हो चुके हैं। वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है। अब बहराइच में टाउन जीरो पर यूपी के वन राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उतर गए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए? 15 लोग घायल हुए हैं और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो, कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। आसपास के गाँव के लोगों का कहना है कि इलाके में 8 से 10 भेड़िए हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। 200 से ज्यादा कर्मचारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं लेकिन फिर भी भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। भेड़िए लोगों पर हमला करने के बाद खेतों में जाकर छिप जाते हैं, जिसकी वजह से बहराइच के करीब 35 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। हमारी रेंजर से लेकर और जितनी समझ टीम है वो अपने पिंजरे लेकर और ड्रोन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ संभावित एरिया हो सकते हैं, हम उन्हें पकड़ सकें, हम उन उचित स्थान तक पहुँचा सकें। और वो जगह जगह स्कूल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो ये भी सचेत करने का काम कर रहे हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी है। उनका हम सुझाव भी ले रहे हैं कि हमें क्या सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर भी हम काम कर रहे हैं। फिलहाल तो सावधानी ही बचाव है, क्योंकि कुछ सावधानियां आपकी और मासूमों की जान बचा सकती हैं। मसलन रात में घर के अंदर रहें, क्योंकि भेड़िए रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए रात में बाहर ना निकलें। सुरक्षित बाड़े के जरिए पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। रात में अगर बाहर जाना ही पड़े तो अकेले न जाएं। समूह में रहने से भेड़िया आप पर हमला करने से हिचकिचाएंगे। सावधान रहें और बच्चों को बाहर न खेलने दें, क्योंकि भेड़िये आमतौर पर छोटे बच्चों और कमजोर जानवरों को शिकार बनाते हैं। ऐसी स्थिति में कुत्ते भी भेड़ियों को दूर भगाने में मददगार हो सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्वयं भी अपनी टीम लगाई है। आज हमारे आदरणीय मंत्री, मेरे सीनियर अरुण सक्सेना जी भी बहराइच में मौजूद हैं। पिछले में इसी महीने के शुरू में मैं और पूरी समझ टीम अमानगढ़, वहाँ पर भी कई घटनाएं इस तरह की हुई थी पिछले दिनों, गत वर्षों में अभी भी ये घटनाएं, 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं। उनको लेकर हम सब जिले में गए थे, बिजनौर में गए थे, जगह जगह हमने एक समारोह किए, लोगों को सचेत करने का काम किया। बहराइच में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भेड़ियों का आतंक है वो तराई वाला इलाका है, जो घने जंगलों से घिरा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 8 से 10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं, जो मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं। पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।